राजस्थानी भाषा मारी मायड़ भाषा। आज सदन में जनी बात जोगेश्वर जी गर्ग राजस्थानी री बात की थी। राजस्थानी ने खास तौर अठे प्राथमिक शिक्षा में लागू करवा साथे साथे राजभाषा बढ़ाने की बात की थी, पर शामरा बी डी कल्ला जी जाता जाता जनी निराशा री बात की थी, क्योंकि वे कहे कि राजस्थानी ने पहली 8वीं अनुसूची में लाओ और जनता ने भरमावर मारा गए जद यह सरकार राजस्थानी फिल्मा ने अनुदान दे सके, राजस्थानी फिल्मा बन सके तो प्राथमिक शिक्षा में लागू करवा में कहीं अर्जो आ रही है। लाखों करोड़ों रुपया अगर राजस्थानी वास्ते बजट में घोषणा करे फिल्म अनुदान वास्ते, और राजस्थान का बच्चा अगर मायड़ भाषा में पढ़ना चाहे जकी बात बिहारी जी बिश्नोई कहवे, जकी बात बलवान जी पूनिया कहवे, वह सारे ही लोगों ने और राजस्थानी संसद और जबरदस्त तरीका आदरणीय बी डी कल्ला साहब रो इन बात रो विरोध करे है, और सरकार रो भी इन बात रो विरोध करे कि वे जनता ने बालका ने रोजगार वास्ते भरमावे है, झूठ बोले और 8 करोड़ मान खेरी भाषा जकी वे बोलना चाहे। बात तो बहुत खूबसूरत तरीका राखी आप सदन में, पर बहुत निराशाजनक आप उत्तर दियो। आप आस नहीं है, सदन आस नहीं है कि जिन तरीकों राजस्थानी वास्ते राजस्थान का टावर आज रुल रहा है नौकरिया में, वाने आप भरमाओ, वाने बरगलाओ, और केवल फकत आपकी दड़ी जो है वे दूजे पाड़े में नाक दिया करो, और केंद्र सरकार का नहीं कह दिया करो कि केंद्र सरकार 8वीं अनुसूची में जोड़े, जबकि आप पूरी पूरी गलत बात है। पहली पहली शर्त है कि राजस्थान ने राजभाषा बढ़ाओ, और बहुत एक छोटा सा प्रस्ताव आप इन्हें बढ़ा सको, पचे बाकी जकी दूसरी जरूरत है वह प्राथमिक शिक्षा में भी आवे और राजस्थानी 8वीं अनुसूची में भेड़ी हुए, तो ऐ तो राजस्थान का मोटिया बिल्कुल लगोलग मांग करेला। पर यूं नहीं है कि केंद्र सरकार का नहीं आप लुड़ गया तो राजस्थान सरकार ने छोड़ देवेला, और राजस्थान का नौजवान अब सीधे सीधे तौर पर जो राजस्थानी मुखालफत करे रो बिरो विरोध कराला। जय राजस्थान, जय राजस्थानी। खमांगड़ी डॉक्टर सीताराम लालस एक अपना विद्वान हुआ राजस्थान राज, जिन्होंने भारत सरकार बाद में पद्मश्री दियो उन्होंने राजस्थानी माते करियो काम रे आधार माते। आप कई बार मजाक में और अज्ञान रे वश में कहवा कि राजस्थानी में कटे है कोई भाषा, कटे शब्दकोश, कटे इनो व्याकरण कटे है, तो डॉक्टर सीताराम लालस जो 1909 में पैदा हुआ है, वे पद्मश्री प्राप्त करी भारत सरकारों इन आधार माते कि उन्होंने राजस्थानी रो शब्दकोश लिखियो। 7,700 पेज रो पृष्ठ है वो शब्दकोश है, 7,700 पृष्ठ और लगभग 11 खंडा में संकलित है, और उनमें 2,50,000 बेशी राजस्थानी रा शब्द है, 2,50,000 शब्दकोश शब्द और शब्दकोश 11 खंडा में 7,700 पेजा में संपादित करियो डॉक्टर सीताराम लालस, और उन शब्दकोश ने पूरी दुनिया मान्यता दी है। अबार अबार इस साल दो साल पहले ही उन्होंने डिजिटल स्वरूप करायो पूरा शब्दकोश 7,700 पेजा और 2,50,000 शब्द और शब्दकोश डिजिटल फॉर्म में ऑनलाइन करियो, और उन ऑनलाइन करियोड़ा डिजिटल स्वरूप ने अमेरिका री बहुत मोटी यूनिवर्सिटी है शिकागो यूनिवर्सिटी, दुनिया में फेमस है आप सब जाना उन्होंने शिकागो यूनिवर्सिटी रे सहयोग से वो ऑनलाइन डिजिटल फॉर्म ऑनलाइन व्यू है, और शिकागो यूनिवर्सिटी का कमेंट है उनमें दक्षिण एशियाई भाषाओं के शब्दकोशों में राजस्थानी को भी अपनी वेबसाइट पर औपचारिक रूप से जोड़ा शिकागो यूनिवर्सिटी ने। दक्षिण भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाए, दक्षिण एशिया में जितनी भाषा बोली जाए उनमें राजस्थानी ने आज अबार 21वीं सदी में शिकागो यूनिवर्सिटी अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी उन्होंने बहुत समृद्ध भाषा मानी, और उन्हें डिजिटल फॉर्म ने ऑनलाइन करवा में बहुत सहयोग करियो और महत्व दियो। शिकागो यूनिवर्सिटी में राजस्थानी री पढ़ाई री भी व्यवस्था है, राजस्थानी में डिग्री मिले, राजस्थानी में पीएचडी हो रही उठे शिकागो यूनिवर्सिटी में, और भी अमेरिका की 2-3 यूनिवर्सिटी और भी है जिते भी राजस्थानी पढ़वा री व्यवस्था है। उन्हीं राजस्थानी के बारे में एक और पद्मश्री अवार्ड मिलियो विजय दानदी देता साहब ने, क्यों मिलियो, लोक कथा राजस्थान की जितनी लोक कथा है पूरा राजस्थान में 33 जिला जितनी भी लोक कथा प्रचलित है उन शब्दों ने संग्रह करियो और राजस्थानी में छापियो, और वातारी फुलवारी नामों
बातारी फुलवारी किताब रहा कितना खंड हो सके आप कल्पना करो, 14 खंडों में वह किताब छपियोड़ी है, 14 खंडा में। और उन बातारी फुलवारी किताब रे कारण ही विजयदान जी देता साहब ने पद्मश्री अवार्ड मिलियो। और उन्हीं विजयदान जी देता राजस्थानी हिंदी कहावत कोश संपादित करियो। दुनियारी कोई भी भाषा में इतनी कहावत और इतना मुहावरा नहीं है जितना राजस्थानी में है। साइड में आत्मविश्वास की जरूरत है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँ भारत सरकार ने, भोपाल में मेडिकल कॉलेज नवो स्थापित वियो है जिनमें हिंदी माध्यम शिक्षा देवेला, मेडिकल साइंस MBBS की डिग्री हिंदी माध्यम से। और भी 5-7 जगह इंजीनियरिंग कॉलेज भारत सरकार खुलाया है जिनमें हिंदी माध्यम शिक्षा देवारी व्यवस्था वेगी है, तकनीकी शिक्षा भी, विज्ञान शिक्षा भी, मेडिकल शिक्षा भी हिंदी माध्यम देवारी उन्हें तैयारी कर ली है। और बाकी सब स्टेट अभी तैयारी कर रहा है, आप क्यों नहीं कर सका? हिम्मत कराओ, अपनी माँ ने मान दे रहा हो, अपनी माँ ने मान दे रहा हो और अपने आपती पीढ़ी रे साथ और अपनी संस्कृति रे साथ न्याय कराओ। भाषा संस्कृति रो वाहन है, संस्कृति एक जगह दूसरी जगह उन भाषा रे माध्यम हो जावे। जिन दिन राजस्थानी भाषा लुप्त हो जाएला राजस्थानी संस्कृति भी विकृत हो जाएला, लुप्त हो जाएला, नहीं रहेला। आज जो गाँव में जो संस्कृति है वह शहरों में कोनी रही, तो बात एक मोटी दिक्कत अपने सामने आने वाली है। टाबरारी पे टाबरो नुकसान और एक मोटो फायदो इनमें कहीं वेला में बताऊँ अपने मोटियार लोग पूछे कि मने कहीं मिली राजस्थानी माध्यम सु प्रारंभिक शिक्षा देवनी जंदी नाप शुरू करोला, पहलो काम तो मिलेला उन विद्वान लोगों ने शिक्षा शास्त्रियों ने जो सिलेबस बनावेला कोर्स री किताबा लिखेला, उनने बाद दूजो काम मिलेला उन अध्यापका ने जो उन राजस्थानी रे माध्यम सु टाबरा ने शिक्षा देवेला। राजस्थानी पडियोड़ा टाबरा ने मौको मिली राजस्थानी में BA MA PhD BEd जने करियोड़ा है उन लोगों ने नौकरियां मिलेला। और उनसे भी आगे सभापति महोदय आप ध्यान में विशेष रूप में मैं सदन ध्यान में लावना चाहूँ, IAS IPS RAS RPS बाड़ला प्रदेशोरान अपने जानी वेजाए, क्यों कि अपने विद्यार्थी वास्ते अपने मोटियारा वास्ते अपने पढ़े राजस्थानी भाषा नहीं है। राजस्थानी भाषा और एक पेपर अनिवार्य वेला RAS में RPS में और IAS में भी जिन दिन अनिवार्य वेला उन दिन देखो राजस्थान रे कितना टाबर और सिलेक्शन वेला, कितना IAS बनेला, कितना IPS बनेला, एक चमत्कार वेजाला। और वो प्रिविलेज मिलेला राजस्थान रा बच्चों ने, विशेषाधिकार मिलेला, क्योंकि उन भाषा में उन पेपर में जितना नंबर उन्होंने मिलेला उतना दूजों नहीं मिल सकेला, कोई नहीं ले सके। तो वो एक मोटो फायदो आगे जाओ तो बेणो है। और भी कई तरह में रास्ता खुलेला, रोजगार का रास्ता भी खुलेला, कोचिंग सेंटर भी खुलेला और भी कई चीज़ें उनमें वेला। इन वास्ते इन भाषा ने आगे बढ़ावनी बहुत जरूरी है। और आगे बढ़ावा वास्ते मैं आपने निवेदन करूँ राजस्थान सरकार ने आपके माध्यम से कि सब पहली तो आप राजस्थान ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में संशोधन कराओ, राजस्थानी ब्रज उनमें डाल दो। और उनने बाद में विद्वान ने राजस्थानी रा जतरा विद्वान है और झगड़ो पैदा वेला हाडोती ढूंढाड़ी मारवाड़ी मेवाड़ी वागड़ी आ संकट आवेला कि मैं लाडला लगभग 40 सालों इन आंदोलन जुड़ियोड़ हूँ तो झगड़ो है, वो झगड़ो मिटावारे वास्ते आप अधिकृत नहीं हैं। किसी राजस्थानी हाड़ोती या ढूंढाड़ी या मारवाड़ी आप तय नहीं कर सका, आप उन विषय विशेषज्ञ नहीं हैं। जो विशेषज्ञ है भाषा शास्त्री है शिक्षाविद है उन विद्वानारी कमेटी बना लो, 4 जना मारवाड़ी वाला ले लो, 4 ढूंढाड़ी वाला ले लो, 4 हाड़ोती वाला ले लो, 4 मेवाड़ी वाला ले लो और उन सबरी कमेटी बैठकर तय करे कि एक मानक रूप लिखित में एक मानक रूप, बोली में तो फर्क रहे वाला ही। जय राजस्थान जय राजस्थानी, अपने लिए घनी गर्व की बात है, घनी उमेद की बात है कि राजस्थान रा लगभग 10 सौ ज़्यादा विधायक राजस्थानी भाषा वास्ते ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाए है और 150 ऊपर और लगभग 15 मंत्री राजस्थान सरकार रा माननीय अशोक गहलोत साहब ने मुख्यमंत्री जी ने राजभाषा बनाने वास्ते पत्र लिख चुका है और अशोक गहलोत साहब ने राज में ही 2003 में सर्वसम्मति संकल्प प्रस्ताव पारित हुए हो। अब भारत सरकार नए बजट में आ कहो है कि
के बच्चा ने बाणी की प्राथमिक शिक्षा है मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तो राजस्थान रे अलावा सगड़ा राज्य जिकारी भाषा ने आठवीं अनुसूची में चाहे जगह हो चाहे ना हो, जिया आपने एक उदाहरण दूँ हरियाणा में हरियाणवी ने राजभाषा का दर्जो है तो हरियाणवी आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं है। झारखंड में कई भाषाओं ने राजभाषा का दर्जो है जिकी आठवीं अनुसूची में कुछ है कुछ को नहीं है। उन्हीं प्रकार से राजस्थान एक खुलो बाड़ो रहे बट हर क्षेत्र बच्चा आ रहे नौकरी लाग सके, लेकिन राजस्थान रो जो टाबर है वे हमेशा लारे रह जावे, वे लारे नहीं रहे इर वास्ते अपने अठे भी एक भाषारी बाढ़ होनी घनी जरूरी है। और वह भाषारी बाढ़ लागे हुई बारी टाबर अठे प्रवेश करने में रुकी। और महात्मा गांधी हमेशा कहो है कि बच्चे ने भी शिक्षा इसकी भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। और राजस्थान रा गांधी अपना अशोक जी गहलोत साहब है, तो अशोक जी गहलोत साहब अंग्रेजी स्कूलों ने बहुत ज़्यादा महत्व दे रहा है, लेकिन अपनी खुद री मातृभाषा जिका 2003 में सर्व संकल्प प्रस्ताव पारित करियो और मैं बड़ा सकारात्मक है कि मैं भाषा के लिए काम करूं, तो अपने 33 जिलों विधायक माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थानी भाषा ने राजभाषा को दर्जो दियो है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव 10 विधायक अलग अलग तरीके से लगा चुके हैं और सगला विधायक चाहे कि राजस्थानी भाषा ने राजभाषा को दर्जो मिले ताकि अपनों जो आठवीं अनुसूची मान्यता रो जो आंदोलन है वो केंद्र सरकार में मजबूत हुए और केंद्र सरकार में जिकी अपनी प्राथमिक शिक्षा जिकी नीति है प्राथमिक शिक्षा लागू हो नई शिक्षा नीति के तहत वा लागू हुए। तो मारी अशोक जी गहलोत साहब से गणमान मांग है कि आप इन मामले ने जल्द से जल्द सुलझाओ। जय राजस्थान, जय राजस्थानी।